नमस्कार दोस्तों, जब पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके मन में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं लाइफ आफ्टर पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ में हर वीडियो में मैं जो कॉमन पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और आज हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी यंग पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद बच्चे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पिनाइल इम्प्लांट हम कहाँ डालते हैं, उसके बाद आपको इस चीज़ का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए इस डायग्राम में मैं समझाता हूँ। तो देखिए, ये यूरिन पैसेज है और ये ग्लांस होता है और ये पूरा पीनस होता है। पीनस की शाफ्ट के अंदर ये कॉर्पोरा होते हैं। ये जो दो कॉर्पोरा होते हैं ये इरेक्टाइल बॉडीज होती हैं। जब आपकी इरेक्शन आती थी तो इसी में ब्लड आता था और ये हार्ड होता था और इरेक्शन आती थी। बट अब क्योंकि इरेक्शन नहीं आ रही, इसमें ब्लड नहीं आ रहा, तो कॉर्पोरा पूरा टाइट नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इस कॉर्पोरा को खोलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक इम्प्लांट इसके अंदर डालते हैं इस कॉर्पोरा के अंदर और एक इम्प्लांट इस कॉर्पोरा के अंदर डालते हैं। तो आप समझिए, दो इम्प्लांट डालते हैं अलग अलग कॉर्पोरा में। जो कॉर्पोरा है और ये यूरिथ्रा है, इन दोनों का पैसेज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी पैसेज से यूरिन बाहर आता है, सीमन बाहर आता है। तो आपको इम्प्लांट के बाद यूरिन करने में या सीमन डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने इस डायग्राम में समझा होगा कैसे हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, तो वो वाला रास्ता, और यूरिन पैसेज और सीमन डिस्चार्ज का पैसेज अलग अलग है। तो अगर आपकी सीमन क्वालिटी नॉर्मल है और इम्प्लांट लगा हुआ है तो डिस्चार्ज भी नॉर्मली होएगा और आप अपने पार्टनर को आराम से प्रेग्नेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भी लाइफ आफ्टर पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए और हम उस क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।